हेलो गाइस, माय नेम इज विश्वराज पुरोहित एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। बात आई सूप की, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में जिसको सूप ना पसंद हो, या फिर कहूँ ठंडी में सूप पीना ना पसंद हो। ठंडी में सूप का मज़ा ही कुछ और होता है, उसका जो टेस्ट होता है ना वो 10 गुना या फिर कहूँ 100 गुना ज़्यादा लगता है। चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए हमारा पोटैटो सूप बनाना शुरू करते हैं। अगर हम पैन में घी ऐड करेंगे, अगर आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर ब्लैक पेपर कॉर्न्स ऐड करेंगे, गार्लिक ऐड करेंगे, गार्लिक हल्की जब लाइट ब्राउन हो जाए फिर हम उसके अंदर ऑनियन ऐड करेंगे। ऑनियंस को अच्छे से प्रॉपर कुक करना है। ऑनियन जब अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए फिर हम इसके अंदर पटेटोज़ ऐड करेंगे। ये रॉ पटेटोज़ है, इसको सिर्फ मैंने 1/8 करा है इसकी स्किन पील करके। हम लोग पानी ऐड करेंगे पटेटोज़, जिससे अच्छे से कुक हो जाएंगे। टेन टू 12 मिनट्स तक उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने दीजिए, जिससे आपके पोटैटो अच्छे से कुक हो जाएंगे। फूड प्रोसेसर में ट्रांसफ़र करके इसका एक अच्छा प्यूरे बना दीजिए। ऐसा घी या फिर बटर ऐड करके आप अपने सूप को वापस रीहीट कर सकते हो। ये जो आखिरी स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंसिस्टेंसी के लिए है। को थोड़ा लाइट सूप पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं और उसको एक अच्छा बॉईल दे सकते हैं। आपका पोटैटो सूप रेडी हो जाएगा। गाइस, हमारा पोटैटो सूप रेडी हो चुका है। ये सूप काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और काफ़ी ज़्यादा क्रीमी सूप है। उससे क्या होगा, ब्लैक पेपर यूज़ करने से आपका जो सूप है वो थोड़ा ब्लैक कलर में होने लगता है, मीन्स उसका जो कलर होता है, जो लास्ट आउटपुट होता है यू सूप। ये सूप बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है और मेरे को ज़्यादा स्पाइसी सूप नहीं पसंद है, इसलिए मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है। बट अगर आप चाहें तो वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। रीहीट करते टाइम आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए सूप की, उस हिसाब से आप थोड़ा पानी ऐड करके उसको अच्छे से एक बॉईल दे सकते हैं, आपका सूप रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी नए रेसिपी वीडियो में विद सम एक्साइटिंग रेसिपी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।